हाय हेलो एंड आई गेस योर फ्रेंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड BTS अपने परफॉर्मेंस के लिए हमेशा वर्ल्ड टूर करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से उनके चाहने वालों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है और उस लिस्ट में इतने लोग शामिल हो गए हैं जिनको काउंट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वैसे फ्रेंड अभी तक हमने यही सुना है कि BTS को मैक्सिमम अवार्ड शो में उनके सुपरहिट सॉन्ग के लिए नॉमिनेट किया जाता है। साथ ही BTS ने कई अवार्डों को अपने नाम भी किया है। उसके साथ उनके डांस परफॉर्मेंस के लिए कई जगह जगह पर कॉन्सर्न भी कराए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हिस्ट्री में पहली बार किसी भी केपॉप ग्रुप को US प्रेसिडेंट ने बुलाया है। तो फ्रेंड अभी हाल ही में BTS को US प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा बुलाया गया था। तो फ्रेंड व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान BTS मेंबर जंगकुक ने ऐसा क्या किया था जिससे इंडियन BTS आर्मी इतनी खुश हो गई, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। तो फ्रेंड जब BTS अमेरिका पहुंचे तो उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी जिसमें इतने सारे रिपोर्टर आए थे जितना कि बाइडेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आते होंगे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी BTS मेंबर ने अपने अपने थॉट रखे, पर जैसे ही वो प्रोग्राम प्लेस से बाहर निकल रहे थे तो देखा गया कि BTS के सबसे छोटे मेंबर यानी कि जियोन जंगकुक ने वहां के वर्कर्स का हाथ जोड़कर स्वागत किया, जिससे इंडियन BTS आर्मी ने इसे नमस्ते ही समझ लिया, जिसकी वजह से जंगकुक सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड होने लगे और इसे लेकर इंडियन BTS आर्मी जंगकुक के दीवाने ही हो गए। ट्विटर पर आर्मी अब की बार जंगकुक सरकार ट्रेंड कर जंगकुक की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड इंडियन BTS आर्मी को जंगकुक की ये स्टाइल काफी पसंद आई। तो फ्रेंड जंगकुक ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा या कुछ और, ये तो सिर्फ जंगकुक ही जानते होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। घमसानिदा।